ये गाइस ये देखिए बिल्ली 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 और गाइस ये देखिए बिल्ली फिर उसी कमरे में चली गई। अरे यार ये तो फिर उसी कमरे में चली गई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग सहरी करके निकले हुए हैं वॉक करने के लिए और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे अंकल भी अपनी साइकिल लेके आ रहे हैं, वो भी अपना टहल वहल रहे हैं ऊपर सोचे। और भाई हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं, देख रहे होंगे। तो हम लोग निकले थोड़ा वॉक करने के लिए। और गाइस आज लास्ट जुमा है रमज़ान का, तो गाइस आज अलविदा जुमा है, तो काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। और गाइस ये हमारे को दोस्त आगे चलते हुए जा रहे हैं और अभी हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। ये गल्ला मंडी वाली रोड है और यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल कुछ पेड़ लगे हुए हैं, डेट पाम के पेड़ लगे हुए हैं। अभी गाइस हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया भाई लोग, और देखिए कितनी जल्दी सुबह भी हो गई। क्यों शर्माते हो यार, क्यों शर्माते हो? समझ में आता ये लोग गाइस क्यों शर्माते हैं? अभी मजा आएगा ना। लोग गाड़ियों पे इतना सामान लाद देते हैं, बेचारा गाड़ी पावर ही नहीं है इस ट्रैक्टर में, चढ़ा ही नहीं पा रहा है, बताइए। देखिए जरा नहीं दोच के दिखा तो नोचो नोचो नोचो। फाइनली गाइज नहा धो के रेडी हो गए। और गाइज ये देखिए ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है कुर्ते में। और आज तो आपको पता ही होगा अलविदा जुमा है, रमजान का लास्ट जुमा है, काफी खुशी का दिन है। आज हम पूरी रात जगे भाई, पूरी रात सोए। वहां से आपको पता ही होगा 5-6 बजे जब मैं घर आया भाई, इतनी बेखबर नींद आई ना, किसकी कॉल आई फोन पे और कौन आया घर में कुछ भी नहीं पता चला, बेखबर मैं सो गया भाई, कुछ पता भी नहीं चला कौन काम कर रहा है घर में। और मम्मी ने कह दिया कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स ले लो, तो अभी चलते हैं मार्केट। और गाइस आपको बता दें 3 दिन बाद ईद आने वाली है, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं ईद आने में, बहुत मिस करूंगा इस महीने को। और चलिए फटाफट चलते हैं मार्केट, कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। अभी गाइस हम लोगों ने फ्रूट्स ले लिया था और आज गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस, रोजा भी बहुत ज्यादा खल रहा है, तो अभी हम खड़े हैं कहारों के अड्डे पे जो कि यहाँ का मेन अड्डा है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ के कहारों का अड्डा। गाइस ये है कहारों का अड्डा, दोपहर में काफी सन्नाटा रहता है लेकिन शाम में आएंगे ना भाई साहब, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक तो भाई इतनी ज्यादा हो जाती है। और सामने देख रहे होंगे गाइस वो नौसार लस्सी वाले, काफी फेमस है पूरे रायबरेली में, और शाम में आएंगे तो दिखाएंगे आपको यहाँ की लस्सी कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। 40 वाली है, इससे बड़ी वाली कितने की? ये गाइस ये देखिए बिल्ली 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 और गाइस ये देखिए बिल्ली फिर उसी कमरे में चली गई। अरे यार ये तो फिर उसी कमरे में चली गई। बिल्ली को ये नहीं पता है कि रास्ता इधर से, वो बार बार उस कमरे से इधर आ रही है फिर उधर कमरे में चली आ रही है, उधर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है, अभी उसी कमरे में ही है, समझ में नहीं आ रहा। और गाइस डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और गाइस आज है डे 2 और हमने काफी पहले अपने कुर्ता पैजामा टेलर को सिलने के लिए दिया था, तो फाइनली आज बन गया है। तो अभी चलते हैं कुर्ता पैजामा लेने के लिए और अभी हम जस्ट मार्केट में खड़े हुए हैं, तो अभी कुछ भाई लोग कुछ सामान वामान ले रहे हैं, अभी दिखा नहीं सकते उन लोगों को, तो चलते फटाक से टेलर के यहाँ से कपड़े लेते हैं उठाते हैं। तो अभी गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी है और चलते हैं बरकत टेलर के यहाँ, और ये रायबरेली का नंबर 1 टेलर में से एक है जहाँ पे हमने अपना कुर्ता उर्ता सिलवाया, चलिए फटाक से यहाँ पे कुर्ते ले। और गाइस हमने कपड़े ले लिए हैं देखिए, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में रश काफ़ी ज़्यादा है इस समय, तो चलिए भाई चलते हैं। तो अभी गाइस हम दुकान पे आए, सिराज अंकल की दुकान पे आए हैं और अब हम लेते हैं दही का पैकेट लिया हमने, 2-3 पैकेट और ले लेते हैं, मम्मी कह रही थी ले लेना, तो हमने सोचा ले लेते हैं 2-3 पैकेट और अंकल जी अभी हमको देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस कुर्ता भी ले लिया, जो सामान नहीं था वो भी ले लिया, शॉपिंग भी हो गई मेरी, और अभी कुछ शॉपिंग में सारे कपड़े वपड़े ले लिया है, बस शूज लेना बाकी है, वो जाके मैं कल ले लूँगा जाके, बाकी तो सब कुछ हो गया है। और अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, 5:30 हो ही गया है गाइस, तो वीडियो को शेयर कर देना है और आने वाले व्लॉग काफ़ी अच्छे होंगे, ईद भी है 3 दिन बाद, तो ईद है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।